नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया चंद्र आईएएस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। दोस्तों आप लोग कैसे होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में आज हम शुरुआत करते हैं और वो टॉपिक है कांग्रेस। तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस संस्था की है वह संस्था है कांग्रेस। तो आज हम उस संस्था के बारे में पढ़ेंगे जिसका अस्तित्व वर्तमान में आज तक है और आगे भी रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का उदय किस प्रकार से होता है, कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ठीक, और कांग्रेस का उदय क्यों हुआ, कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जो है कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है कांग्रेस। तो दोस्तों आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कि पढ़ेंगे। यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चनों की बारंबारता भी होती है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कांग्रेस। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। सबसे पहले देखिए कांग्रेस का क्या अर्थ होता है, लोगों का समूह। तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह है। और इसके जनक या कांग्रेस के संस्थापक जो है कि A.O. ह्यूम माने जाते हैं। कांग्रेस के जनक कौन माने जाते हैं या कांग्रेस के पिता कौन माने जाते हैं, तो A.O. ह्यूम कांग्रेस के पिता या जनक A.O. ह्यूम थे कांग्रेस के जनक, ठीक। और कांग्रेस का जो है कि जनक कौन है, A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके पूरे नाम है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, A.O. ह्यूम के बारे में जो कांग्रेस के पिता माने जाते हैं। तो देखिए A.O. ह्यूम निवासी स्कॉटलैंड के हैं और इन्हें शिमला में ये ज़्यादा रहते थे। ज़्यादातर ये कहाँ पे रहते थे, शिमला में रहते थे, इसलिए इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। ये सिविल सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो देखिए सिविल सर्विस के रिटायर्ड या सेवानिवृत्त अधिकारी थे। सेवानिवृत्त अधिकारी थे और ये कांग्रेस के आजीवन महासचिव के पद पे रहे। आजीवन मतलब 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महासचिव बने रहे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। इसके जनक किसे माना जाता है, A.O. ह्यूम को माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम है। कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। शिमला का संत कहा जाता है क्योंकि शिमला में अधिकतर ये क्या करते थे, निवास करते थे, सिविल सर्विस सेवा के रिटायर्ड या सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ये 1885 से लेके 1907 तक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं
आजीवन कांग्रेस के महासचिव रहे, आजीवन कांग्रेस के महासचिव रहे। अब देखिए कि आजीवन कांग्रेस के ये महासचिव तो रहते रहते हैं, इनकी जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी है। कई बार पूछा गया है कि इनकी जीवनी किसने लिखी है, तो विलियम वेडरबर्न इसके बायोग्राफी है। तो जीवनी कार विलियम वेडरबर्न है, विलियम वेडरबर्न है, विलियम वेडरबर्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है और अन्य जो है कि वन डे एग्जाम में भी यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि ह्यूम के जीवनीकार कौन है, तो विलियम वेडरबर्न है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप लोग यहाँ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं, कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे होती है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना के लिए जो स्थान चुना गया है वह मुंबई है, वह मुंबई है। लेकिन इससे पहले ये पुणे होने वाला था, लेकिन पुणे में हुआ नहीं क्योंकि प्लेग फैल गया। प्लेग की समस्या के कारण जो है कि इसका स्थान स्थानांतरित कर दिया गया और यह कहां पर जो है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, तो पुणे में। तो देखिए बंबई में। तो 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और कहां पर हुआ, स्थान देखिए, स्थान है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब देखिए पूर्व निर्धारित स्थान पुणे था। किंतु वहां पर प्लेग जैसी महामारी फैल जाने के कारण स्थान परिवर्तन कर दिया गया। तो देखिए महामारी फैल जाने के कारण यहां पर नहीं होता है, कहां पर होता है, बंबई में होता है। बंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है, ठीक। अब देखिए बंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष बहुत बार पूछे गए हैं, कौन है WC बनर्जी, और इनका पूरा नाम है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या है इनका पूरा नाम है, ठीक। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के पहले अध्यक्ष हैं WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्य 72 थे, 72 सदस्य थे। और सबसे ज्यादा जो सदस्य रहते हैं वह वकील रहते हैं, सबसे ज्यादा सदस्य किसके क्या रहते हैं, वकील पेशे से जुड़े हुए हैं 72 सदस्य में सबसे ज्यादा। इसलिए जो है कि कांग्रेस को आप देखेंगे वकीलों का समूह भी कहा जाता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वकीलों का समूह जो है कि प्रारंभिक दौर में किस संस्था को कहा जाता है, तो कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा जो पेशेवर थे वो जो है कि वकील थे इसमें। और टोटल सदस्य कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने। तो देखिए अब ये पहला अधिवेशन संपन्न होता है। अब कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं,
कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अधिवेशनों से बार बार जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अधिवेशन को देखते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखते हैं। अच्छा, अब देखिए कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन होता है, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, तो देखिए जो कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन होगा, दूसरा अधिवेशन होगा, सेकेंड अधिवेशन होगा, वह कहां पे होगा? वह जो है कि कलकत्ता में होगा। कहां पर होगा? कलकत्ता में। कलकत्ता, कलकत्ता में होगा। स्थान कहाँ है? कलकत्ता। दूसरा कब होगा? 1886। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। तो इनके बारे में हम कुछ प्रमुख तथ्य को जानते हैं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बहुत महत्वपूर्ण नेता है। और आप जानते हैं कि बम्बई के एलिफेस्टन कॉलेज से ये पढ़े लिखे हैं, और अध्यापक भी रह चुके हैं। उसके बाद जो है कि कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, सेकेंड अधिवेशन का प्रेसिडेंट है। तो अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दादा भाई नौरोजी को भारत वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है कि भारत का वयोवृद्ध नेता कहा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है रफ्त गोफ्तार। इनकी पत्रिका है रफ्त गोफ्तार। क्या है इनकी पत्रिका? है रफ्त गोफ्तार। ठीक, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, इनके साथ दो लोग और थे जिनका नाम है रहनुमाई मजदयासन सभा। इनकी संस्था का नाम, संस्था थी रहनुमाई मजदयासन सभा। दयासन सभा इनकी संस्था है। और आप देखेंगे ये एस्टैब्लिश कब होती है दादा भाई नौरोजी की संस्था, तो ये एस्टैब्लिश होती है 1851 में। ये संस्था क्या होती है? एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक, और इसके साथ जो है कि दो लोग और जुड़ जाते हैं रहनुमाई मजदयासन सभा में। एक तो दादा भाई नौरोजी ही हैं। दूसरे हैं नौरोजी फरदोन जी। दूसरे हैं, और तीसरे जो इस संस्था से जुड़ते हैं उनका नाम है एस एस बंगाली। ठीक, इन्होंने जो है कि ड्रेन थ्योरी दी थी, दादा भाई नौरोजी ने जो है कि ड्रेन थ्योरी दी थी। और इन्होंने ही पहली बार बताया कि भारत में पर कैपिटा इनकम जो है कि 20 रुपीस है। पर कैपिटा इनकम कितना है? 20 रुपीस है। तो ड्रेन थ्योरी इन्हीं की मानी जाती है, जिनका है धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन। तो दोस्तों आपने देखा कि दूसरे
1886 में आपने देखा कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हो रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरे जी, दादा भाई नौरे, जिन्हें भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष हैं। इनकी पुस्तक है रक्त गोपतार, इनकी संस्था है रहनुमाय मजदयासन सभा। दादा भाई नौरोजी, ये संस्था जो है कि स्थापित दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 1851 में की थी। और इस संस्था से दो लोग और जुड़े थे, नौरोजी फरदौनजी और एसएस बंगाली। इसके बाद हम आते हैं कांग्रेस के तीसरे महत्वपूर्ण अधिवेशन में। कांग्रेस के तीसरे महत्वपूर्ण अधिवेशन में जो 1887 में होता है, 1887 में होता है, तीसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन। और ये कहां पे होता है? मद्रास में, मद्रास में, मद्रास में हुआ। स्थान मद्रास, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी है। और आप जानते हैं दोस्तों कि आगे चलकर बदरुद्दीन तैयब जी, आगे चलकर आप देखेंगे कि एक बहुत गांधी जी के बहुत बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, और वह आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उनके गिरफ्तार होने के बाद आप देखेंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी और सरोजनी नायडू जो है कि धरसना में उनके आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। ठीक, ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ध्यान रखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो देखिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि 1888 में होता है, 1888 में, और ये कहां पर होता है? इलाहाबाद। स्थान कहां है? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद। स्थान है इलाहाबाद। और आप देखेंगे कि इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब जो है कि इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन बने हैं? जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल जो है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूल है, जो है कि किस अधिवेशन की अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक अंग्रेज ने किया? तो इलाहाबाद अधिवेशन किया। यह अधिवेशन कब हुआ? 1828 में। इसके बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण और अधिवेशन के तरफ। तो देखिए, अब यह अधिवेशन होता है 1896 में, और कहां पर होगा? कलकत्ता में। देखिए, यह अधिवेशन 1896 में होता है, 1896 में, और कहां पर होगा? कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अध्यक्ष हैं रहीम तुल्ला सयानी है इसके अध्यक्ष, सयानी है रहीम तुल्ला सयानी।
और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिवेशन में जो है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत गाया गया। ठीक, अब जानते हैं राष्ट्रीय गीत आपका क्या है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है कि क्या है आपका? राष्ट्रीय गीत है। ठीक, और वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत बार पूछा जाता है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से, आनंद मठ से। ठीक, और आप देखिए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बार बार पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है, तो वंकिम चंद्र चटर्जी, वंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी। इनकी क्या है रचयिता है? वकीम चंद्र चटर्जी। ठीक, किस पुस्तक में है? आनंद मठ में। और आप जानते हैं दोस्तों कि आनंद मठ में एक और विद्रोह का वर्णन है। किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो यहां पर आप लोग एक बार और देख लीजिए, 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार जो है कि राष्ट्रीय गीत गाया गया, कौन सा राष्ट्रीय गीत है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंकिम चंद्र चटर्जी। और ये किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ में और एक महत्वपूर्ण विद्रोह की चर्चा है जिसे आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह के नाम से, सन्यासी विद्रोह के नाम से। अब उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, वह अधिवेशन 1906 कलकत्ता में होता है। दोस्तों वह कब हो अब है देखिए 1906 कहां पे होता है? कलकत्ता में। ये अधिवेशन भी कलकत्ता में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष, अध्यक्ष जो होंगे वह अब जो अध्यक्ष होंगे वह अध्यक्ष होंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही भारत के वयोवृद्ध नेता, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से, कलकत्ता में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से किसकी मांग उठी थी? स्वराज की मांग उठी थी, स्वराज, स्वराज। तो यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? तो आप बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार जो है कि स्वराज की मांग की गई थी। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार जो है कि क्या किया था? स्वराज की मांग को उठाया था, स्वराज की मांग को उठाया था। अब देखिए अब महत्वपूर्ण अधिवेशन 1907 में होगा, महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का, आईएनसी का, आईएनसी का महत्वपूर्ण सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए महत्वपूर्ण सेशन कहां पे होता है? सात में होता है, सात में। और स्थान क्या है इसका? स्थान सूरत होगा। स्थान क्या है? सूरत, स्थान सूरत।
सूरत, और सूरत आप जानते हैं दोस्तों कहां पर है, गुजरात में, गुजरात के सूरत में होगा, गुजरात के सूरत में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष है रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, और वो महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, कांग्रेस की दोनों धड़े अलग हो जाती है, कांग्रेस की दोनों धड़े अलग हो जाती है, यानी कि गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है वैचारिक मतभेद के आधार पर, वैचारिक मतभेद के आधार पर, मतभेद के आधार पर, मतभेद के आधार पर गरम दल एवं नरम दल में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है गरम दल एवं नरम दल में। गरम दल एवं नरम दल में तो आपसे यह बार बार पूछा जाता है, आपसे यह बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है कि किस अधिवेशन में हुआ, तो 1907 के कब हुआ, 1907 में हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, सूरत अधिवेशन में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। और क्यों होता है, क्योंकि कांग्रेस में वैचारिक मतभेद हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाता है, वैचारिक मतभेद के कई कारण होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो है कि दो प्रकार के लोग हो जाते हैं, एक तो जो है कि ब्रिटिश गतिविधियों में विश्वास करते हैं, ब्रिटिश संविधान में उनकी क्या है, आस्था है, ब्रिटिश कार्यों में उनकी आस्था है, वो चाहते हैं कि हम जो है कि ब्रिटिश कार्यों के अंतर, ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत रह के जो है कि कार्य करें, उनके मांग करने के तरीके अलग हैं, उनके जो है कि वो मांग करेंगे प्रार्थना पत्र के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा, जब उससे भी नहीं देखेंगे तो वो जो है कि स्मरण पत्र भेजेंगे, स्मरण पत्र के बाद वो क्या काम करेंगे कि प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है कि ब्रिटिश अधिकारी से मिलेंगे, गवर्नर जनरल से मिलेंगे और अपनी मांगों को वहां पर रखेंगे। और एक जो दल होगा उनका मांगने का तरीका अलग होगा, वो क्या करेंगे, उनके मांगने के तरीके में हड़ताल होगा, विदेशी वस्तुओं का क्या होगा, बहिष्कार होगा, ठीक, तालाबंदी होगी। तो इस तरीके से के द्वारा जो है कि उनकी मांग करने के तरीके अलग होते हैं, उन्हें ब्रिटिश सरकार में आस्था नहीं रहती है, उनके संविधान को वो नहीं मानते हैं, ब्रिटिश चरित्र को की स्थिति को उन्होंने सही तरीके से पहचान कर ली है, इसके प्रति जो है कि उनकी आस्था खत्म हो जाती है, वो जो है कि ब्रिटिश संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, इस आधार पर वो जो है कि क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इन्हीं वैचारिक मतभेद के कारण आप देखेंगे कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है गर्म दल एवं नरम दल के रूप में, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब 1911 में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होगा, 1911 में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होगा, और ये भी कहाँ पर होगा, कलकत्ता में होगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहे हैं वो ऐसा नहीं कि कलकत्ता में ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बार बार कलकत्ता का नाम आ रहा है, क्योंकि कलकत्ता से ही आप जानते हैं कि वैचारिक और बुद्धिजीवी वर्ग और थिंक टैंक जो है कि सबसे ज़्यादा कलकत्ता में ही पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण अधिवेशन जो भी आप देख रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, कलकत्ता में हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यह अधिवेशन कब होगा, 1911 में होगा, 1911 में, 1911 में, और कहाँ पर होगा, कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में होगा, 1911 कलकत्ता में होगा। इसके अध्यक्ष बी एन धर होंगे, अध्यक्ष बी एन धर, बी एन धर,
देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे बड़ी बात क्या होगी, यहाँ पर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया जाएगा। तो देखिए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं कि द्वारिकानाथ टैगोर की क्या थे, पुत्र थे और बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दो गीत जो है कि दो देशों के राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान आप जानते हैं जनगण मनगण, और आप देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो 1972 में इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया, और वह कौन सा है, आमार सोनार बांग्ला। ये किस देश का राष्ट्रगान बना, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इस हत्याकांड के दौरान इन्होंने क्या की, अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। ठीक, परित्याग कर दिया नाइटहुड की उपाधि। और आप इसके बाद ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जो है कि नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोबेल सम्मान जो विश्व का जो है कि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, नोबेल सम्मान से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए, इनकी पुस्तक है गीतांजलि के लिए इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था 1913 में। ठीक, तो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या किया गया था, जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो अब आपने देखा कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, बी.एन. धर है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और ये पहले व्यक्ति हैं जिनके राष्ट्रगान दो देशों में गाया जाता है, एक भारत में और दूसरा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कौन सा राष्ट्रगान है, आमार सोनार बांग्ला। और आप जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, भारत में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आपने देखा कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने अपनी क्या कर दी, नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर दिया। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण देखिए 1916 में लखनऊ समझौता
1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, ठीक। और लखनऊ अधिवेशन कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ कहां पे है आप जानते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। यहीं पे दो बातें हुई। देखिए सबसे पहली बात कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अध्यक्ष है एसी मजुमदार, एसी मजुमदार, या इन्हें अंबिका चरण मजुमदार भी कहते हैं, अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ पे मुख्य बातें क्या होती है? यहाँ पे मुख्य बातें होती है कि कांग्रेस की जो दो धड़े अलग हुई रहती है 1907 के सूरत अधिवेशन है, यहाँ पे फिर एक साथ मिलकर काम करने लगती है। तो देखिए यहाँ पे गरम दल एवं नरम दल के बीच क्या होता है? समझौता होता है। और समझौता किसने करवाया था? तो दो व्यक्तियों ने करवाया था। एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरे कौन है? एनी वेसेंट जी के सहयोग से यहां पर क्या हुआ? मिलन हुआ गरम दल और नरम दल। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बातें यह भी होती है कि दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि यहाँ पे दो संस्थाओं का भी मिलन होता है। कल देखिए उत्तर प्रदेश टीटी में यह प्रश्न पूछा गया है लेकिन विवादित हो गया है, क्योंकि गरम दल नरम दल ऑप्शन ए में दिया है और दूसरे ऑप्शन में आप देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि दो संस्था यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हो जाता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है यहाँ पर। और एक और भी महत्वपूर्ण बात घटती है कि यहीं पे जो है कि आप देखेंगे राजकुमार शुक्ल, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी आए हुए हैं। और यहीं पे आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को निमंत्रण कौन देगा? बिहार चंपारण के राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण देंगे तो इसी के साथ आपने देखा दोस्तों कि 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ, महत्वपूर्ण अधिवेशन। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजुमदार।
यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें क्या होती है, गरम दल एवं नरम दल के बीच समझौता होता है जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए हैं। दूसरी बातें क्या होती है, किसके सहयोग से यह समझौता होता है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से यह समझौता हुआ गरम दल एवं नरम दल के बीच में। उसके बाद देखिए दो संस्थाएं एक हो जाती है, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग, दो संस्थाओं के बीच समझौता होता है। और इसी अधिवेशन में आप देखेंगे कि बिहार चंपारण के निवासी राजकुमार शुक्ल भी आए रहते हैं। महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से, आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत में इनका आगमन हो जाता है, ये भी लखनऊ समझौता अधिवेशन में गए हुए। यहीं पर जो है कि राजकुमार शुक्ल ने इनको क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं बिहार आने का। और बिहार में जो है कि चंपारण में समस्या चल रही है, ठीक, जिसे आप चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो इसी समस्या को सुलझाने का। तो दोस्तों और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कांग्रेस अधिवेशन के, जिसको मैं कल के सेशन में करूँगी। तब तक के लिए जो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।